हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब शंकर जी भी ध्यान छोड़ दिए तो हम लोग भी आज आवृत्ति छोड़ रहे हैं, सीधे कथा कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री कश्यप जी अपनी पत्नी माता देवहूति से, अदिति से, सॉरी, देव माता अदिति से पयोव्रत की विधि बता रहे हैं। तो उस विधि का वर्णन कल हुआ था, कुछ बाकी रह गया है उसको आज पूरा कर रहे हैं। उन्होंने मंत्र बताया, पूजा की विधि बताया, और अब आगे निषेध परक कुछ काम बता रहे हैं जिसको नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज में या किसी भी नियम पालन में दो प्रकार के नियम होते हैं। एक होता है त्यागने का, तो इसको निषेध कहते हैं, और करने लायक जो नियम होते हैं उनको विधि कहते हैं। विधि और निषेध, जैसे हम लोगों के इस्कान में विधि है भगवान का नाम जप करना, स्नान करना, भागवत पढ़ना, भगवान की पूजा करना, टू डू, इसको करना। और नहीं करना निषेध क्या है, चार महापाप का निषेध है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध संबंध में, ये चार निषेध बताए जाते हैं। यहां पर भगवान का भजन करने वाले को, भगवान की पूजा करने वाले को निषेध बताया जा रहा है। वर्जयेद असदा आलापम, असत आलाप वर्जयेद। आलाप का अर्थ होता है बातचीत करना, सुनना, इसके दो अर्थ है। असत लोगों से, जो अभक्त हैं, पापी हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए। और यह वैष्णवों को दैनिक जीवन में भी सीखना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह कह सकता है कि गाय का दूध पीना भी खून पीने के समान ही है, इतना डव माइंडेड आदमी, तो किसी स्त्री को कह सकता है कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो तो अपने देह से, तुम्हारे देह से कोई काट करके खून निकाले तो भी सेम ही है, और उसके साथ क्या बात करें उस गधा के साथ, जो इतनी बात समझ में नहीं आती। गधा के साथ भी बल्कि बात किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अधम के साथ नहीं। ये कहते हैं कि गाय के खून में और दूध में क्या अंतर, इतनी बात समझ में नहीं आती। गाय आनंद से दूध देती है, अपने बच्चे को देती है या अपने पालने वाले पोषने वाले को भी देती है, वो दूहता है, वो बोलती नहीं, आनंद से देती है। और भगवान ने उसके लिए निश्चित किया है, बछड़े को कुछ दूध दे करके और उसको घास दिया जाए, गाय को घास दिया जाए, घास से सेवा की जाए, भगवान का बनाया हुआ रूल है, तो उसे उचित ढंग से करना चाहिए। लेकिन यह कह देना कि गाय का खून पीना या दूध पीना दोनों एक, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, ऐसे मूर्खों को बात के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए इन लोगों से बातचीत करना ही नहीं चाहिए। वो अपनी फिलॉसफी जहां झाड़ना है झाड़ते रहे, बात नहीं करना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए। ये कश्यप जी बता रहे हैं असत आलाप, और बहुत बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए संसार की। जितना दिन व्रत करना है, भक्ति करनी है, तो संसार की बातों का आलाप वर्णन नहीं करना चाहिए। कई संसार में घटनाएं होती रहती हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में निकलती रहती, उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कीर्तनियो सदा हरि, भगवान के ही गुणों का वर्णन करना चाहिए। तो वर्जित असदा आलापम, असत आलाप नहीं करना चाहिए।
कभी खराब बातें भगवान के गुण कीर्तन के अलावा दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। भोगन उच्चा वचंस तथा वर्जयत, भोगों को छोड़ देना चाहिए उतने दिन। उच्च या अवच, अवच का अर्थ होता है नीच और उच्च का अर्थ होता है बड़ा बड़ा। जैसे भोग है हाथी पर सवार होना, घोड़े पर सवार होना, नेपाल का कंबल ओढ़ना, मतलब अच्छा ऊनी कंबल ओढ़ना, इसका मतलब ये है ये उच्च भोग है। हाथी पर चढ़ना, उच्च अच्छा कंबल ओढ़ना और बहुत दामी रेशमी कपड़ा पहनना व्रत के समय, और जो भी है या बहुत अच्छा अच्छा खाना बना करके या कहीं से खरीद करके, नहीं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो खाने के लिए कहा गया वही खाना चाहिए, अच्छा भोजन नहीं करना और बहुत सुंदर कपड़ा नहीं पहनना, चादर नहीं ओढ़ना, सवारी नहीं करना, इसको उच्च भोग कहते हैं। नीच भोग, नीच भोग भी है अवच्छ भोग, अवच्छ का अर्थ है बहुत छोटा तुच्छ भोग, उसी में कुछ लोग आनंद लेते हैं। जैसे सुअर माल खाने में आनंद लेता है, वैसे ही दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे भोगों में भी आनंद लेते हैं, जैसे खैनी चूसने में, ये तंबाकू में क्या रस है, लेकिन उनके लिए वो भोग है, वो उसको अच्छा मानते हैं, इसको अवच्छ भोग कहते हैं। या गधा पर चढ़कर घूमना, गधा की सवारी भी एक भोग है, लेकिन अगर कोई चढ़ करके आवे और कहे कि मैं तो गधा पर चढ़कर आया हूं, तो लोग सोचे हमको मत छुओ, कहेंगे ना, गांव में ऐसे कहते हैं। तो छोटे छोटे जो भोग हैं उसको भी नहीं भोगना चाहिए और बड़े बड़े भोगों को भी नहीं, भगवान के भक्ति में रहना चाहिए। वर्जयेत असदालापन, भोगान उच्चा वचंस तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायण। और व्रत के दिन में कभी भी भूल कर भी किसी भी जीव को वचन से या शरीर से या मन से भी दुख नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भक्त को तो चाहिए कि जीवन भर हिंसा न करे, लेकिन खासकर व्रत के दिनों में 12 दिन तक बिल्कुल किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जान मारने की बात तो बहुत दूर है, यह जान न मारना, इसके लिए हिंसा शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां है किसी भी तरह से अपने आचरण से किसी जीव को तकलीफ न देना, ये अर्थ है। और जान न मारना किसी जीव का, वो तो गधों को सिखाया जाता है, वो आदमी को नहीं सिखाया जाता है। जीव हत्या मत करो, हत्या मत करो, ये आदमी को नहीं सिखाया जाता है वास्तव में, सॉरी ये आदमी को सिखाया जाता है, वैष्णव को नहीं। वैष्णव का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। यह हिंसा का अर्थ है किसी को दुख न देना व्रत में, वैष्णव का यह व्रत। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी क्या आप हमको ब्राह्मण बना सकते हैं? प्रभुपाद जी तो भक्तों को बनाते ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हाँ बना सकते हैं, तो क्या उपाय है बनाने का? तो प्रभुपाद जी ने कहा पहले आदमी बनकर आओ तब ब्राह्मण बनाएंगे। तो वो कहा कि हम आदमी नहीं है ना, जब तक तुम मांस खाते हो, शराब आदि पीते हो, तब तक तुम एनिमल हो, पशु हो, तो ये सब पाप छोड़ करके आदमी बनो तब मैं ब्राह्मण बना दूंगा। वास्तव में हिंसा शब्द का जो प्रयोग होता है, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार झांसी में अवसर दिया गया था हिंसा पर बोलने का। महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन चल रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी को हिंसा पर बोलने के लिए कहा गया, अहिंसा पर। तो प्रभुपाद जी सीधा कहे कि हिंसा का अर्थ है किसी के अधिकार का हनन करना, इसको हिंसा कहा जाता। प्रत्येक जीव को जन्मसिद्ध अधिकार है कृष्ण को समझने का, भगवान को जानने का और सुखी होने का, सदगति प्राप्त करने का। लेकिन अगर कोई समाज लोगों को भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देता है, सुविधा नहीं देता है, तो वह लोगों की हिंसा कर रहा है।
भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं करने वाला व्यक्ति वो भी हिंसक ही है। और ये सिनेमा टीवी आदि द्वारा वासनाओं को भड़काने वाला चित्र दिखाना, सब ऐसे ऐसे लोगों को भोगों की वासना हो जाए, धन की वासना, स्त्री की वासना, और भगवान के भक्ति से वो हट जाए व्यक्ति, यह वास्तव में जीव की हिंसा है। उसका सहज जो अधिकार है, स्वरूप है, उसका हनन किया जा रहा है। तो यह हिंसा का अर्थ है वैष्णव के लिए किसी जीव को कभी भी दुख न देना। वासुदेव परायण, हमेशा भगवान वासुदेव की भक्ति में लगा रहे, उनकी शरण में। परायण का अर्थ उन्हीं में वाणी लगी रहे, उन्हीं के दर्शन के में नेत्र लगे रहे, हाथ पूजा में, श्रवण भगवान की बात सुनने में, कथा सुनने में। 12 दिन तक कथा रोज होना है और नृत्य और गीत भी होना है, ये विधि आ रही। 12 दिन तक वैष्णवों को बुलाकर उनके द्वारा गीत गवाना, नृत्य करना, ये सब दैनिक नियम है। तो वासुदेव परायण का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा सपने में भी कुछ नहीं सोचना, हमेशा कृष्ण कहीं गुणगान, चिंतन, श्रवण में लगे रहने, ये वासुदेव परायण। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण, तो कृष्ण परायण रहना चाहिए। त्रयोदश्याम अथो विष्णु स्नपनम पंचकायर विभो, तो 12 दिन तक ये व्रत करे जो पहले नियम बताए गए, त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करावे। पंचामृत प्रसिद्ध है, गाय घी, दूध, दही आदि, मधु, ऐसा पंचामृत कहते हैं। इसके द्वारा भगवान को स्नान करावे। कारेत शास्त्र दृष्टि न, कारेत कारेत का अर्थ है कि शास्त्र दृष्टि न, ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जो लोग शास्त्र विधि जानते हैं उनके द्वारा अभिषेक करावे। विधिना विधि को विदय, विधि से करावे जो नियम है। और किनके द्वारा? विधि को विदय, जो विधि को, नियम को जानते हैं उन भक्तों के द्वारा भगवान का स्नान कराना चाहिए। पूजन च महतिम कुरियत वित्त साठ्य विवर्जित, और त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष इंक्रीज्ड पूजा भगवान की करनी चाहिए, ज्यादा पूजा करनी चाहिए। उस दिन धन का लोभ छोड़ देना चाहिए। वित्त साठ्य, यदि धन है, मान लीजिए किसी का रुपया है, बैंक में है, इधर उधर है, तो अब लोभ न करें कि उसमें से नहीं खर्च करेंगे, वो जमा रहेगा। यदि पैसा नहीं है तो वो भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा ऊपर ही कहा गया है कि विभवे सती, यदि धन हो तो ऐसा ऐसा करे, अगर धन न हो तो भगवान को एक तुलसी अर्पण करके भी उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। ये केवल प्रणाम कहते हैं, धनी के दान, गरीब के स्नान। तो धनी लोग दान करते हैं जो फल मिलता है, गरीब आदमी जमुना जी में जाकर केवल स्नान करे तो वही फल मिलता है। ये लोक में प्रसिद्ध बात, मतलब भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई ये न सोचे कि अरे जिसके पास धन होगा वो ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। हाँ, कम से कम इतना धन होना चाहिए कि दूध खरीद करके पी सके, क्योंकि पीना तो जरूरी है। बाकी भगवान की पूजा में जो भी जुट रहा है, अगरबत्ती है, तुलसी दल है, उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। फूल, फूल तो भारतवर्ष में लोग मांगने पर भी दे देते हैं, कहीं पर अब मांगे कि भगवान की पूजा करनी है तो लोग दे देते हैं, ठीक है ले जाए। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, पयोव्रत नहीं कर सकता है। और पयोव्रत वास्तव में केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता है, कोई भी कामना हो, कोई भी वस्तु की इच्छा हो, वो व्यक्ति इसको करके मनोरथ पूरा कर सकता है भगवान की कृपा से, कुछ भी इच्छा। अरे जब वैकुंठ मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, तो पृथ्वी के भोग मिलना कौन बड़ी चीज। यदि कोई चाहते हैं कि हम देश में कोई मंत्री बने,
सांसद बने, ये बने वो बने, तो उनको ये व्रत करना चाहिए, भगवान की कृपा से वो बन जाएंगे। ये अमोघ व्रत है और इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शिवसेना वाले कर सकते हैं, कांग्रेस वाले कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये कोई इसमें ये पाबंदी नहीं डालेगा, नहीं नहीं यही आदमी करे, ये ना करे, वो ना करे। आप शुरू से ही देख ही रहे हैं, भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान ऊंचा पद देते हैं, धन देते हैं, मान देते हैं, दीर्घ आयु देते हैं, सब कुछ देते हैं। स्वजनों के लिए भी किया जाता है। माता अदिति अपने पुत्रों के लिए व्रत करेगी, इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाने के लिए, और बन गए इंद्र, भगवान को राज मिल गया। किस बल से? उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनकी माता ने यह व्रत किया था, जैसा वर्णन आगे आएगा। लेकिन जो धनी है, भगवान ने जिनको कृपा करके धन दिया है, तो उनको चाहिए कि त्रयोदशी के दिन पूजा भगवान की विशेष रूप से करें, धन का मोह न करें। तो उस दिन चरु पकार करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करें, हवन विशेष रूप से करना चाहिए। चरु खीर पका करके भी, जैसे ऊपर कहा गया, उस विधि से भगवान का हवन करें। भगवान को सिपी विष्ट कहते हैं। सिपी का अर्थ होता है रश्मि, किरणें सूर्य की या प्रकाश, उसमें भगवान रहते हैं। अथवा सिपी का हृदय भी होता है, जीवों का, समस्त जीवों के हृदय में है भगवान। तो उनकी पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। श्रितेन तेन पुरुषम जजे तसु समाहित, तो खूब अच्छे हुए, अच्छी तरह से पके हुए खीर से भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब हवन करना चाहिए और खिलाना चाहिए लोग। नैवेद्यम चाते गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टिदम्, और भगवान को प्रसाद खिलावे, खूब अच्छा बना करके भगवान को भोग दे। नैवेद्यम निवेदन करे, चाते गुणवत् अति गुणवत्, कसिम अति गुणवत्, यदि धन है तो खूब अच्छा सरस भोग बनाना चाहिए भगवान के लिए। जब भगवान प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद तो हम लोग खाते हैं, भगवान भोग खाते हैं, तो उनको पहले भोग लगाते, तो अति गुणवत्त नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। जो पुरुष तुष्टिदम, भगवान को संतुष्ट कर दे, यदि खूब श्रद्धा से धन का मोह न करके खूब अच्छा बनाया जाए भोग, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। इससे नहीं कि बहुत अच्छा प्रसाद बना, इस भोग बना इसलिए, बल्कि उस भक्त के भाव से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हृदय से हमारी सेवा कर रहा है, तो ऐसा करना चाहिए। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्रा भरण धेनु भी तोषे द्वितीजश्चैव तद्विद्याराधनम हरे। और जो आचार्य हैं जिन्होंने ये व्रत कराया, उनको चाहिए कि वस्त्र आभरण, ये सब धन रहने पर वस्त्र अलंकार और धेनु भी गाय दान करे। अलंकार दे, सोना चांदी दे, हीरा दे, और वस्त्र दे, और उनके साथ यज्ञ कराने वाले जो भी ऋत्विज आते हैं, जो आचार्य नियुक्त करते हैं, ब्रह्मा उद्गाता आदि जो होते हैं चार, उनको ऋत्विज कहते हैं। तो ऋत्विजों को भी यथा योग्य दान दे, और उसको ऐसा समझे कि इनको संतुष्ट करना हरि का, हरि को संतुष्ट करना, भगवान की ही आराधना समझ करके, भगवान का सुख समझ करके उनको दे। भोजे तान गुणवत्ता सदन न सुचिस्मित, प्रिय तुम बहुत ही सुंदर आचरण वाली स्त्री हो, तुम इस बात को समझोगे। सुचिस्मित हे सुंदर मुस्कान वाली, ये कह रहे हैं, अर्थात तुम बहुत शुद्ध चरित्र की हो, तो तुम्हें चाहिए कि भोजे तान गुणवत्ता सदन में बहुत सरस भोजन करावे उन ऋतिजों को और आचार्य को। और सदन, एक तो स्वादिष्ट होना चाहिए और अन्न जो हो वो सदन होना चाहिए। सत अन्न मतलब बहुत बुरी कमाई का पैसा नहीं होना चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। उस व्रत में अपने परिश्रम की कमाई उसको सदन कहते हैं।
ये नहीं कहीं किसी की हत्या करके और पैसा लिया, और या चोरी करके बहुत किसी को ठग करके सता करके और उस पैसे से भगवान की पूजा करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसे सदन्य शब्द का प्रयोग किया गया। और गुणवत्ता, गुणवत्ता का अर्थ है छह रस, षड रस, बहुत स्वादिष्ट भोग बनाए भगवान के लिए, और वही प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए सदन। और ये च तत्र समागता, और भी जो ब्राह्मण वहां आए बुलाने से अथवा बिना बुलाए भी जो आ जाए सबको खिलाना चाहिए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात, और गुरु को ही आचार्य को ही यहां कहा जा रहा है, गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए और ऋतुजों को भी जत्था अर्हता। तो प्रश्न होता है सबको ये कहीं बराबर देंगे, ये कहीं समान पैसा या भोजन तो एक समान होगा, उसमें भेद नहीं है, लेकिन दक्षिणा देने में जत्था अर्हता, जत्था योग्य, जत्था योग्य का अर्थ उधर से भी योग्यता है और देने वाले के भी फंड पर बात निर्भर करता है। उसका फंड कितना अलाउ कर रहा है देने का उसके अनुसार करे, और उधर से भी अब चेला है तो चेला को चेला जैसा देंगे ब्राह्मणों को सब, जथा रहता जथा जोग समझ लेना चाहिए देश काल के अनुसार, लेकिन देना चाहिए। और अब दक्षिणा गुरुवे दद्यात् ऋतुजश्च जथा रहता अनाद्य नाशोपाकांश प्रीलयन समुपागतम, और उस यज्ञ में अपने आप या बुलाए हुए जितने भी लोग आवे उनका जथा योग्य सत्कार करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए अन्न आदि से, मतलब भोजन, अन्न मैंने भोजन। यहां तक कि उस यज्ञ में पयोव्रत में कोई चंडाल भी आवे, कोई भी हीन जाति का आवे, हीन वर्ण का आवे, कोई भी, सबको खिलाना चाहिए बहुत स्नेह से। प्रीणयत समुपागतान, समुपागतान उस यज्ञ में आए हुए, उस अवसर पर आए हुए सबको भोजन देना चाहिए। देखिए और चीज में भेद हो सकता है लेकिन भोजन में भेद नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो सबको भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, और देने की शक्ति हो तो वो भी दे। आश्वपाकांश, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल आदि को भी देना चाहिए कोई भी व्यक्ति आवे। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दिनांध बधिरेषु च, और जब सभी खा लें त्रयोदशी के दिन सब लोग खा लें, यहां तक दीन अंध बधिर जो विकलांग है हैंडीकेप सब खा लें, दीनहीन रोगी कुछ कुष्ठ जिसको हो चाहे कुछ भी, दीन अंध कृपण बेचारे लाचार गरीब सभी जब खा लें, विष्णु तत्प्रेरणम विद्वान भुंजित सबद, ये समझे कि उनको खिलाना भगवान को डायरेक्ट खिलाना है। कश्यप जी बता रहे हैं इन दीनहीनों को खिलाना और ब्राह्मणों को खिलाना गुरु को खिलाना, इसको डायरेक्ट भगवान की आराधना समझनी चाहिए। और जब सब खा ले, एक एक व्यक्ति खा ले, तब भुंजित सहबंधु भी अपने परिवार के और अपने रिलेटिव लोगों के साथ तब खाए। कितनी सुंदर शिक्षा दी जा रही, सब जब खा ले, एक एक आदमी को देखना चाहिए। गृहस्थ का वास्तव में धर्म है, हमारे घर के आसपास कोई भूखा तो नहीं है। पहले लोग जब भोजन के लिए घर पर तैयार होते थे तो घंटा बजाते थे गृहस्थ लोग, कोई व्यक्ति अगर भूखा दुखा हो तो आ जाए तो उसको खिला करके तब खाते थे। ये धर्म है, इससे आयु बढ़ती है, इससे धन बढ़ता है, जस बढ़ता है। तो सबको खिला करके तब अपने बंधुओं के साथ खाए, इसका अर्थ है कि जितने परिवार के लोग या रिलेटिव हैं वे सब सेवा में लगे हुए हैं प्रसाद सर्व करने में और सब करने में, तो सबके बाद अंत में खाए। नृत्य वादित्र गीतश्च स्तुतिभि स्वस्ति वाचकै कार्य तत्कथाभिश्च पूजम भगवतो अनुअहम्। और जहां तक भगवान की पूजा की बात है तो उस दिन विशेष करें, लेकिन प्रथम दिन से ही नृत्य वादित्र और गीत होना चाहिए। नृत्य नाच होना, भगवान के कीर्तन में जस गान में नाचना और बाजे बजाना खूब, तो गीत के अनुसार
और गीतश्च, खूब गीत होना चाहिए, भगवान के भज कीर्तन होना चाहिए, नृत्य बाजा और स्वस्ति वाचक स्तुति भी, और स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए चाहिए। नव श्लोक जो लिखे गए हैं वो बोले, या गोविंद आदि पुरुषम जो भी स्तुति है उसके द्वारा भगवान की पूजा करें। और कार्य तत्कथाभिश्च, और भगवान की कथाओं द्वारा भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान की कथा होना यह भगवान की पूजा है, यहां पर ये बात कही जा रही है। भगवान इसे प्रसन्न होते हैं जब जनता को भगवान का संदेश, भगवान का गुण रहस्य सब मिलता है, तो भगवान इसे बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता में तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा उपदिष्ट इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में कहेगा, उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई हुआ है न होगा, ऐसा भगवान कहा। कि कथा होनी चाहिए किसी भी उत्सव में, पर्व में कथा जरूर होनी चाहिए, और कीर्तन नृत्य बाजा बजाना। कार्य तत्कथा भी से पूजा भगवतो अनुहम, प्रतिदिन करना चाहिए। एतत् पयोव्रतम नाम, इसका नाम है पयोव्रत। अब कश्यप जी कहते हैं विधि बता करके, अब इसकी महिमा बता रहे हैं। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। अपनी पत्नी से वो बोल रहे हैं, उसने कहा था भगवान कैसे खुश होंगे वो बताइए, कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का सबसे महान साधन है, और इसका उपदेश भी सबसे महान व्यक्ति ने किया है। पिता महेन अभिहितम, हमारे पितामह श्री ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किया। ऐसे जैसे तैसे थर्ड क्लास का आदमी नहीं उपदेश कर दिया, ये पूजा करो, इसकी आराधना करो, ये विधि है, ये करो ये करो। इधर तो घर घर में उपदेशक भरे पड़े। अरे पयोव्रत का उपदेश तो ब्रह्मा जी ने किया है, तो उपदेशक के दृष्टि से भी यह व्रत सबसे श्रेष्ठ। पिता महेन अभिहितम मया तो समुदाय हितम, तो मैंने अपने पितामह से जो कुछ सुना विधि, ठीक उनकी सुनी हुई विधि को ही मैं बता रहा हूं, अपने से कुछ भी नहीं बताया। एक कश्यप जी कह रहे हैं इस व्रत की महानता को बता रहे हैं, जिस विधि का उपदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है और भगवान को प्रसन्न करने का। तो ब्रह्मा जी जानते हैं ना कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और वास्तव में जीव को किसको प्रसन्न करना चाहिए, कौन भजनीय है, इन सब बातों को ब्रह्मा जी से बेटर कौन जानेगा। तो ब्रह्मा जी उपदेश किए, हम लोग जिस परंपरा में हैं वैष्णव परंपरा में, वो ब्रह्मा जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा है, संप्रदाय है ब्रह्मा जी। बीच में चैतन्य महाप्रभु हुए गौड़ देश में, और उसके दोनों के बीच में मध्वाचार्य आए, तो इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, इस तरह से आता है। तो हम लोगों के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं। ये हम लोगों का भाग्य है कि ब्रह्मा जी का डायरेक्ट उपदेश भागवत में जहां तहां मिलता है, और एक किताब भी है ब्रह्म संहिता, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की है, इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। और प्रत्येक श्लोक में वे कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आदि पुरुष सर्वेश्वरेश्वर स्वयं भगवान गोविंद का भजन करता हूं, स्पष्ट कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी कृष्ण का भजन कर रहे हैं तब तो मनुष्यों को तो करना ही चाहिए। मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जहां तहां अपना इष्ट चुन लेते हैं, और उन्हें हमेशा विफलता और दुख ही मिलता रहता है। ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि इस विधि का उपदेश हमारे पितामह ब्रह्मा जी ने किया, और भगवान विष्णु को कृष्ण को रिझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। तुम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम। तुम च, जैसे ब्रह्मा जी ने हमको कहा, तो तुम भी हे महाभागे, वास्तव में अदिति तुम महाभाग्यवती हो। यह कहने का मतलब यह है कि ये पयोव्रत की कथा भी, इसकी विधि को जो सुनेगा तो सुनना भी बहुत बड़ा भाग्य से होता, नहीं तो सुनने को भी नहीं मिलता। भाग्यहीन पुण्यहीन व्यक्ति को ये बात सुनने को नहीं मिलती।
तो तुम महाभाग्यवती हो कि तुमको ये सुनने को मिला, तुमने ध्यान से सुना, तो सम्यक चिरणे न अने न सम्यक संपादित इस व्रत के द्वारा इसका आचरण करते हुए भज अव्ययम, तुम अविनाशी भगवान विष्णु का भजन करो। इस संसार में सब कुछ क्षीण हो जाता है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता है। उनका शरीर कभी वृद्ध नहीं हो सकता, उनके लोक से कोई च्युत नहीं हो सकता है, उनका ज्ञान अक्षीण रहता है, इसलिए उनको अव्यय कहते हैं, कभी व्यय नहीं होता। और इस संसार में तो व्यय रोज होता रहता है, व्यय। नेचर क्योर में लोग जाते हैं तो उनके शरीर को लोग कई किलो घटाते हैं, व्यय कर देते हैं, खत्म। वी आय व्यय, शरीर घटता रहता है, और बुढ़ापा आते आते तो सारा सौंदर्य सारी शक्ति हवा हो जाती, खत्म। और उसके बाद देह भी नहीं रहता है, पद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रह जाता, सब व्यय हो जाता है। ये भगवान